हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बढ़िया, चलिए अच्छी बात। तो पिछले लेक्चर याद है कुछ? अरेंज लोकेशन पढ़ाया था मैंने, ठीक है। क्या बताया था? k इक्वल टू a इंटू e का पावर माइनस ए वाई आर टी, ठीक है। अब k क्या है बेटा? रेट कांस्टेंट। a क्या है? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या रिनेस कांस्टेंट या फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। आर क्या है? गैस कांस्टेंट। टी क्या है? टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है। अच्छा, ए का सिग्निफिकेंस क्या था? ए किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा था? ए को क्या पढ़ते हैं तो मैंने बता दिया था। ए रिप्रेजेंट किस चीज को करता है ये भी मैंने बताया था कि ए रिप्रेजेंट क्या बताओ? कॉलिजन रेट बताया था ना। ए रिप्रेजेंट क्या? कॉलिजन रेट। कॉलिजन रेट का मतलब क्या? नंबर ऑफ कॉलिजन पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड कॉलिजन रेट। या इसको कॉलिजन फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते ना, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। अरे, नंबर ऑफ कॉलिजन पर यूनिट टाइम को कॉलिजन फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं हम, ठीक है। ए रिप्रेजेंट या तो कॉलिजन रेट बोलो या कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बोलो। अच्छा, ये भी बताया था मैंने आपको, ई का पावर माइनस ए वाई आर टी क्या होता है? फ्रैक्शन ऑफ, क्या रिप्रेजेंट करता है बताया ना, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी, हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन क्या? एक्टिवेशन एनर्जी। यानी ये उस फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है जिसके पास एनर्जी क्या, या तो एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल है या उससे ज्यादा है। अब बताओ, आपको रिएक्शन कराने के लिए कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है? एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर, और या एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा आपको मिल जाए तो क्या आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं बदलेंगे? 100% बदलेंगे आप, ठीक है। तो ये उस फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है जिसके पास एनर्जी क्या है? एक्टिवेशन के इक्वल या एक्टिवेशन से ज्यादा है, ठीक है। अरे भाई, रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए आपको कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है? एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर रिक्वायर्ड है हमें, और हमें या तो उससे इक्वल या उससे ज्यादा मिल जाए तो क्या होगा? जो भी मॉलिक्यूल होगा वो क्या होगा? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बदलने लगेगा, ठीक है। तो ये उस फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, मॉलिक्यूल के उस फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है जिसके पास एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल या उससे ज्यादा है, ठीक है। चलिए, समझ में आया? ये बता दिया था मैंने। अब जो मैं बताने वाला हूं वो बताने वाला हूं टेम्परेचर कॉफिशियंट। टेम्परेचर कॉफिशियंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। टेम्परेचर कॉफिशियंट क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट डिफर बाय 10 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कॉफिशियंट म्यू इक्वल टू क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट डिफर बाय 10 डिग्री सेल्सियस। देख लो भाई, ठीक है। इट इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट डिफर बाय 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। या 10 केल्विन भी बोल सकते हैं। टेम्परेचर का डिफरेंस डिग्री सेल्सियस में लो या केल्विन में लो, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? यदि ये रेट कांस्टेंट की वैल्यू 50 डिग्री पे लियो तो कितना पे लोगे? 60 पे लोगे, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? टेम्परेचर कॉफिशियंट इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर डिफर बाय क्या? 10 डिग्री सेल्सियस। मैं लिख देता हूं, देखो देखो, मैं इधर लिख देता हूं। टेम्परेचर कॉफिशियंट क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ क्या? रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, डिफरेंट टेम्परेचर डिफर बाई क्या? 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन, ठीक है। समझ में आया? चलो अब बताओ, ध्यान दो, समझना, ठीक है। एक चीज इंपॉर्टेंट है, रेट कांस्टेंट का रेशियो लो या रेट ऑफ रिएक्शन का रेशियो लो, ठीक है। समझिएगा, एक बात समझा रहा हूं। जैसे, ठीक है,
टू डिफरेंट टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट का रेशियो और रेट ऑफ रिएक्शन का रेशियो हमेशा सेम रहेगा। देखिए कैसे, ठीक है, मान ले को रिएक्शन है ए से बी, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे, आर के इन टू ए का पावर एक्स, मान ले ऑर्डर एक्स है। अच्छा एट टी वन टेम्परेचर पे कैसे लिखोगे बोलो, एट टी वन टेम्परेचर पे, टेम्परेचर टी वन पे रेट ऑफ रिएक्शन मान लो आर बन इक्वल टू के वन और ए का पावर एक्स। एट टेम्परेचर टी टू पे रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे बोलो, एट टेम्परेचर टी टू पे रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे, आर टू इक्वल टू के टू और ए का पावर एक्स। अरे टेम्परेचर चेंज करोगे तो रेट कॉन्स्टेंट चेंज करेगा ना, पता है ना हमको, टेम्परेचर चेंज करेंगे तो रेट कॉन्स्टेंट चेंज करेगा, कल ही तो बताया हूँ आर एन एस इक्वेशन में कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कॉन्स्टेंट बढ़ जाता है, और जब रेट कॉन्स्टेंट बढ़ जाएगा ठीक है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना, या रेट कॉन्स्टेंट घट जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो आपको मैं बता चुका हूँ कि टेम्परेचर चेंज करेंगे रेट कॉन्स्टेंट चेंज कर जाएगा। देखिए ना, यहाँ टी वन टेम्परेचर पर रेट कॉन्स्टेंट के वन है, टी टू टेम्परेचर पर रेट कॉन्स्टेंट के टू है, तो रेट कॉन्स्टेंट जब चेंज किया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी तो चेंज करेगा। अब यहाँ देखो ना, रेट कॉन्स्टेंट का यहाँ देखो ना, रेट ऑफ रिएक्शन का रेशियो निकालो, आर वन बाई आर टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो तो के वन बाई के टू, यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन का रेशियो होता है वही रेट कॉन्स्टेंट का रेशियो होता है। यानी कभी भी परीक्षा हॉल में तुम्हें रेट ऑफ रिएक्शन का रेशियो जरूरत पड़ रहा है और रेट कॉन्स्टेंट का रेशियो देगा, ये कभी रेट कॉन्स्टेंट का रेशियो का जरूरत पड़ेगा और रेट ऑफ रिएक्शन का रेशियो देगा। ठीक है, समझ में आई बात, क्या बोल रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन का जो रेशियो है वो रेट कॉन्स्टेंट के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि रेट कॉन्स्टेंट जब चेंज करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज करेगा, ऑब्वियसली सी बात है, यानी रेट कॉन्स्टेंट का रेशियो रेट ऑफ रिएक्शन के रेशियो के बराबर होता है, ध्यान रखना। ठीक है, यानी परीक्षा हॉल में कभी रेट कॉन्स्टेंट का रेशियो ना प्रोवाइड करके क्या प्रोवाइड कर देता है, रेट ऑफ रिएक्शन का रेशियो प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, चलो, यानी इसके बदले आप ये भी लिख सकते हो ना, क्या, यानी मैं नीचे लिखता हूं, म्यू इक्वल टू आ के प्लस टेन और डिवाइड बाई के टी, यह ऐसे भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन देख लो, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि जो रेट कॉन्स्टेंट का रेशियो होता है वही रेट ऑफ रिएक्शन का रेशियो होता है बेटा, कोडाओ नहीं ना। चलो अब ध्यान दो, इंपॉर्टेंट है, समझो, जनरली जो टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू होता है ना वो टू और थ्री के बीच लाई करता है। ठीक है, यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट की जो वैल्यू होता है ना, ठीक है, वो म्यू की जो वैल्यू होता है ना वो टू से थ्री के बीच लाई करता है, जो म्यू की वैल्यू है ना वो टू टू थ्री के बीच लाई करता है। ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू, इन टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू टू और थ्री के बीच लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन दो से टू से थ्री टाइम बढ़ जाएगा, यही ना मीनिंग हुआ। अरे भाई म्यू की वैल्यू टू है, इसका मतलब इसका रेशियो कितना टू है, या इसका रेशियो कितना टू है, म्यू की वैल्यू जब टू है तो इसका रेशियो कितना टू है, इसका रेशियो टू है, इसका मतलब क्या हुआ, जितना टेम्परेचर पे टी डिग्री सेल्सियस पे रेट ऑफ रिएक्शन होगा उससे डबल टी प्लस टेन पे होगा, वही ना मीनिंग है, तब ना रेशियो टू आएगा। ठीक है, जितना टी डिग्री सेल्सियस पे रेट ऑफ रिएक्शन है उससे डबल क्या होगा, टी प्लस टेन पे रेट ऑफ रिएक्शन होगा, तभी तो म्यू की वैल्यू टू आएगा। यानी जनरली म्यू की वैल्यू टू और थ्री के बीच में लाई करता है, लेकिन इफ द वैल्यू ऑफ म्यू इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन देन वी टेक द वैल्यू ऑफ म्यू इक्वल टू टू। ठीक है, यदि क्वेश्चन पेपर में म्यू की वैल्यू नहीं गिवन है, ठीक है, और म्यू की वैल्यू आपको खुद से टेक करना हो तो म्यू की वैल्यू कितना लेना है, टू लेना है। देखिए म्यू की वैल्यू टू या टू टू थ्री का मतलब क्या है कि जब हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएंगे आप तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो दो से थ्री टाइम्स के बीच बढ़ता है। ठीक है, लेकिन जब क्वेश्चन पेपर में म्यू की वैल्यू कुछ भी ना गिवन हो तो हम मानेंगे म्यू की वैल्यू कितना है, टू है। इसका मतलब हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन कितना गुना बढ़ेगा, दो गुना बढ़ेगा। ठीक है, लिख देते हैं, जनरल म्यू, अरे जनरल जो म्यू की वैल्यू होता है ना वो टू टू थ्री के बीच होता है, बट ध्यान रखना, इफ म्यू इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन,
देन बी टेक क्या म्यू इक्वल टू टू, याद रखिएगा इसको, ठीक है। यानी म्यू की वैल्यू जब क्वेश्चन में गिवन ना हो और म्यू हमें खुद से टेक करना हो तो हम कितना टेक करेंगे, टू टेक करेंगे, ठीक है, समझ में आया। चलो अब देखो एक इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, देखो इसको, इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, देखिए मान लिया जाए 10 डिग्री सेल्सियस पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, R1 है, ठीक है, 20 डिग्री पे R2 है और 30 डिग्री पे R3 है और 40 डिग्री पे R4 है, ठीक है। अब देखो तो ध्यान देना, समझना थोड़ा, देखो तो यहां से यहां कितना बढ़ा रहे हो तुम, 10 डिग्री बढ़ा रहे हो, तो यहां से यहां म्यू डिफाइन करोगे कैसे, R2 / R1, ठीक है। यहां से यहां देखो, यदि यहां से यहां देखोगे तब म्यू डिफाइन करोगे कैसे, म्यू इक्वल टू R3 / R2, यदि यहां से यहां 10 डिग्री देख रहे हो तब म्यू कैसे डिफाइन करोगे, म्यू इक्वल टू क्या, R4 / R3, ठीक है। अब यहां से देखो ना, R2 की वैल्यू निकालो तो म्यू इंटू क्या आ जाएगा, R1, ठीक है। यहां से R2 की वैल्यू निकालो ना, क्या आ जाएगा, म्यू इंटू R1, और यहां R2 की वैल्यू रखो ना, म्यू इक्वल टू R3, अब भाई R2 की वैल्यू म्यू इंटू R1, ठीक है। तो यहां से देखो ना, R3 की वैल्यू क्या आ जाएगा, म्यू स्क्वायर इंटू R1, ठीक है। तो R3 की वैल्यू यहां से देखो ना क्या, म्यू स्क्वायर इंटू R1, इसको भी इधर ट्रांसफर कर लो ना, ठीक है, यानी क्या आ जाएगा, म्यू क्यूब इक्वल टू R4 / क्या, ठीक है, म्यू क्यूब इक्वल टू R4 / R1, ठीक है। यानी आपको क्या दिखा, ध्यान देखिए, R4 क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन T+ ∆T डिवाइडेड बाई RT, टी डिग्री सेल्सियस, और इक्वल टू, इसको फार्मूला का फॉर्म में लाना, देखिएगा, म्यू का पावर ∆T/10, देख लो आ जाएगा वो चीज। पहले यहां से डेल्टा टी कितना है, अरे 10 से 40 तक गए तो डेल्टा टी कितना है, डेल्टा टी की वैल्यू कितना है, डेल्टा टी 40 - 10 करेंगे तो कितना, 30 ना, तो 30, तो 30/3 कर देंगे तो कितना, 3 आ जाएगा ना, तो देखो म्यू क्यू आ गया, म्यू क्यू आ गया ना, ठीक है। अब देखो टी डिग्री सेल्सियस, ध्यान दो, इसी चीज को हम फार्मूला के फॉर्म में लिखे हैं, देखिए क्या, रेट ऑफ रिएक्शन टी डिग्री सेल्सियस प्लस डेल्टा टी डिवाइडेड बाई रेट ऑफ रिएक्शन टी डिग्री सेल्सियस और इक्वल टू म्यू का पावर ∆T/10, ठीक है। अब समझिएगा, जैसे आपको 50 डिग्री पर रेट ऑफ रिएक्शन मालूम है या मान लो 56 डिग्री पर रेट ऑफ रिएक्शन मालूम है, चलो, और आपको 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 पूछ रहा है क्या ना कि 86 डिग्री पर रेट ऑफ रिएक्शन कितना है, ठीक है, 56 डिग्री सेल्सियस पर रेट ऑफ रिएक्शन मालूम है और 86 डिग्री पर रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है आपको, ठीक है, तो 56 डिग्री पर मालूम है आपको यह वैल्यू तो मालूम है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन है टी डिग्री सेल्सियस और 86 डिग्री पूछ रहा है मतलब ये वाला वैल्यू निकालने बोल रहा है, ठीक है, तो टेम्परेचर का डिफरेंस कितना, 56 - 86, यानी 86 - 56 करोगे, यानी 86 - 56 करोगे तो कितना, 86 - 56 करोगे तो कितना, 30, यानी डेल्टा टी की वैल्यू कितना, 30 डिग्री, तो 30/10 करोगे ना, ठीक है, यानी 3 आ जाएगा, और म्यू की वैल्यू तो क्वेश्चन में पता होता है, ठीक है, 2, सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा। यानी इसको और भी चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो ना, देखो, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, R final / R initial इक्वल टू म्यू का पावर ∆T/10, ठीक है। यानी आपको R initial का मतलब क्या, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे तुम्हें रेट ऑफ रिएक्शन पता है और किसी दूसरे टेम्परेचर पे रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है,
ठीक है। आर इनिशियल का मतलब क्या, टी डिग्री पे तुम्हें पता है और किसी दूसरे टेम्परेचर पर रेट ऑफ रिएक्शन निकालना, यानी आर फाइनल निकालना, म्यू तो पता है और कितना बढ़ाया और टेम्परेचर वो तो तुम्हें डेल्टा टी पता है, अब आई टेन कर देना आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आया? तो दोनों फार्मूला में दोनों एक ही फार्मूला है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है ना। ठीक है, समझ में आया? चलो, दोनों एक ही फार्मूला, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। अब देखना, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, समझना। ठीक है, याद रखना भी, यानी आर एफ बाई आर आई मतलब फाइनल रेट बाई इनिशियल रेट इक्वल टू म्यू का पावर डेल्टा टी बाई टेन। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं क्या, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, क्या देखने वाले हैं, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होता है अब रेट ऑफ रिएक्शन पे। तो पहले ये जानते ना, कैटलिस्ट कहते किसको। ठीक है, तो कैटलिस्ट क्या है, आप तो बहुत बार सुने होंगे कैटलिस्ट क्या है। ठीक है, कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस, ठीक है पढ़े हो ना, कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस, इज ए सब्सटेंस विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ बींग कंज्यूम, विदाउट इटसेल्फ बींग कंज्यूम एट द एंड ऑफ रिएक्शन, एट द एंड ऑफ रिएक्शन। यानी कहने का मतलब वो क्या है यहां कि कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है विदाउट रिएक्शन में कंज्यूम हुए का मतलब क्या हुआ, मतलब कैटलिस्ट का अमाउंट रिएक्शन होने के बाद चेंज नहीं करता है। यदि दो मोल कैटलिस्ट डाले हो तो आफ्टर रिएक्शन तुम्हें दो मोल कैटलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, सिर्फ कैटलिस्ट का काम क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देना विदाउट इटसेल्फ बीइंग कंज्यूम इन द रिएक्शन। ठीक है, बिना रिएक्शन में कंज्यूम हुए रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देना, बढ़ा देना ही कहलाता है। क्या कहलाता है, कैटलिस्ट कहलाता है। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है ना वो कहलाता है कैटालिसिस, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैटालिसिस। ठीक है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्या बेटा, कैटालिसिस। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है वो कैटालिसिस कहलाता है। अब एक निगेटिव कैटलिस्ट भी होता है ना, कैटलिस्ट निगेटिव कैटलिस्ट क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को घटा देता है उसको बोलते हैं निगेटिव कैटलिस्ट। जब सिर्फ कैटलिस्ट बोले ना तो समझना रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने की बात करना है। ठीक है, और जब तक निगेटिव कैटलिस्ट नहीं बोले ना तब तक आपको रेट ऑफ रिएक्शन को घटाना नहीं है। ठीक है, जब निगेटिव कैटलिस्ट बोलेगा तो हम क्या समझेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन घटाने की बात हो रही है, और सिर्फ कैटलिस्ट बोलेगा इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने की बात हो रही है। ठीक है, समझ में आया, कोई डाउट? अच्छा, अभी आपको कभी पॉजिटिव कैटलिस्ट बोल दें तो बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव कैटलिस्ट बोले इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने की बात हो रही है, निगेटिव कैटलिस्ट बोले इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन घटाने की बात हो रही है, और सिर्फ कैटलिस्ट बोले तभी भी सोचना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने की बात ही सोचना। ठीक है, जनरली कैटलिस्ट का मीनिंग यही होता है ना, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाना, और यदि घटाने की बात बोलेगा ना तो आपको बोलेगा निगेटिव कैटलिस्ट का यूज करें। ठीक है, चलिए अब ये कैटलिस्ट कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है ये सोचना है हमें। ठीक है, कि कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे बढ़ाता है, तो एक बात सोचते ना, ठीक है, कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना है तो रेट कॉन्स्टेंट को बढ़ाना होगा, तो रेट कॉन्स्टेंट को बढ़ाने के लिए हमारे पास इक्वेशन है ना आर इन एस ए इंटू ई का पावर माइनस ए वाई आर टी। ठीक है, के इक्वल टू ए इंटू ई का पावर माइनस ए बाई आर टी है ना इक्वेशन अपने पास। ठीक है, अब इस इक्वेशन का इस्तेमाल करें, यदि के बढ़ा लोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। अब के कैसे बढ़ाओगे, कैटलिस्ट
ना ही ए को चेंज करता है ना ही टेम्परेचर को चेंज करता है। कैटलिस्ट रिएक्शन के टेम्परेचर को चेंज नहीं करता है बेटा, ना ही ए को चेंज करता है। तो चेंज क्या करेगा? एक्टिवेशन एनर्जी। क्या चेंज करता है? एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करेगा? यदि के बढ़ाना है तो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करोगे? घटाओगे। अरे भाई एक्टिवेशन एनर्जी को घटाओगे तब ये टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे ही एक्टिवेशन एनर्जी को घटाओगे तो ये की वैल्यू घटाओगे तो ये टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और ये टर्म की वैल्यू जब बढ़ जाएगा तो के बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा? यानी कैटलिस्ट क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है बाय डिक्रीजिंग क्या? एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, कैटलिस्ट इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग क्या? एक्टिवेशन एनर्जी। बाय डिक्रीजिंग क्या? एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैटलिस्ट जरूर रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है लेकिन क्या करके? एक्टिवेशन एनर्जी कम करके। यदि कैटलिस्ट नेगेटिव कैटलिस्ट हो तो नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करेगा? रेट ऑफ रिएक्शन को घटाएगा। क्या करके? एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ा के। ठीक है, यदि पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाएगा। क्या करके? एक्टिवेशन एनर्जी कम करके। जैसे ही एक्टिवेशन एनर्जी कम करोगे ना तो ये टर्म का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा बेटा। और e का पावर माइनस ए बाई आर टी की वैल्यू जब बढ़ जाएगा तो k की वैल्यू बढ़ जाएगा, और जब रेट कांस्टेंट बढ़ जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको ग्राफिकली समझते हैं। अच्छा एक पॉइंट नोट में लिखिएगा, कैटलिस्ट डज नॉट चेंज डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन के टेम्परेचर को चेंज नहीं करता है कैटलिस्ट, तो डेल्टा एच में भी कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा ग्राफ देखते हैं ना, देखते हैं। जब कैटलिस्ट डेल्टा एच को चेंज नहीं करेगा तो रिएक्शन का टेम्परेचर भी चेंज नहीं करेगा। ठीक है, ध्यान दो। अब इसका ग्राफ देखते हैं ना थोड़ा सा, देखिए इधर हमने लिया पोटेंशियल एनर्जी और इधर हमने लिया प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, एक रिएक्शन है R से P में जा रहा है। ठीक है, अभी एक्टिवेशन एनर्जी इतना है, देख लो एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अब ध्यान देना, यदि आप कैटलिस्ट डाल दोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। देखिए अब मेरा क्या हो गया? एक्टिवेशन एनर्जी देखो ये इतना आ गया, देखो घट गया। कैटलिस्ट के प्रेजेंस में मेरा एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गया? कम हो गया। देखिए ठीक है, तभी ना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। ये जो ऊपर वाला ग्राफ है ना वो क्या है? इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, और जो नीचे वाला ग्राफ है बेटा वो इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। क्या है? इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट के प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जा रहा है? घट जा रहा है, तभी तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए तो समझिए थोड़ा। आपके पास इक्वेशन क्या था? इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट पहले लिखते हैं, चलो इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट पहले लिखते हैं। इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट क्या हो जाएगा बोलो? रेट कांस्टेंट मान लो, ठीक है मान लो, ठीक है के है इक्वल टू ए इंटू ई का पावर माइनस ए अवाई आर टी। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, मान ले रेट कांस्टेंट मान लो
ठीक है, के प्राइम मान लो, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, ए इंटू ई का पावर माइनस ई ए सी, एक्टिवेशन एनर्जी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ई ए सी है ना, बाई क्या आर टी। दो इक्वेशन है सॉल्व करना है इसको, ठीक है चलो सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा बोलो, के प्राइम बाई के, ए से तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ई का पावर माइनस क्या है बेटा, ई ए सी बाई आर टी, और डिवाइडेड बाई क्या, ई का पावर माइनस ई ए बाई आर टी, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ई का पावर ई ए बाई आर टी, देख लो भाई, बेस से में पावर जोड़ लो ना, ऐड कर दो, क्या हो जाएगा, यहां पे लिख रहा हूं देखो, चलो यहां लिख देता हूं, के प्राइम बाई के इक्वल टू ई का पावर, ठीक है, क्या हो जाएगा बोलो, ई ए माइनस ई ए सी बाई आर टी, ठीक है समझ आ रहा है, चलो अब देखो यहां लिख रहा हूं, देखो देखो दोनों तरफ लॉग लगाओ, एलएन लगाओ, एलएन लगाओ, तो क्या आ जाएगा, एलएन के प्राइम बाई के इक्वल टू ई ए माइनस ई ए सी बाई आर टी, और इंटू एलएन ई, एलएन ई का मान तो वन होता है, ठीक है, और इंटू एलएन ई होगा ना, तो एलएन ई का मान तो वन होता है ना, देखो ये रिलेशन आया, ये टर्म क्या है, ये टर्म क्या है, डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी, ये प्रेजेंस में है ना, ठीक है, ये प्रेजेंस में है एक्टिवेशन एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, और ये एब्सेंस में, तो प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता, कम होता है, और एब्सेंस में क्या होता, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होता है ना, तो ये जो डिफरेंस आएगा ना वो क्या बताएगा, डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी, क्या बताएगा, ये जो डिफरेंस आएगा वो क्या बताएगा, डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी, डिक्रीज इन क्या, एक्टिवेशन एनर्जी, ये माइनस ये सी क्या बताएगा, डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कैटलिस्ट डालने से मेरा कितना एक्टिवेशन एनर्जी घटा होगा वो ई ए माइनस ई ए सी का डिफरेंस बताएगा, ठीक है। अब इसको लॉग के फॉर्म में भी लिख सकते, लॉग के प्राइम बाई के इक्वल टू ई ए माइनस ई ए सी अबाई क्या 2.303 आर टी, देख लो भाई, ठीक है यही इक्वेशन हो गया। और मैं बार बार बोलता हूं, रेट कांस्टेंट का रेशियो आप रेट ऑफ रिएक्शन के रेशियो से भी रिप्लेस कर सकते हो, जहां जहां आप रेट कांस्टेंट का रेशियो लिख रहे हो ना, ये के प्राइम क्या है, रेट कांस्टेंट इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, के क्या है, रेट कांस्टेंट इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है, अरे भाई के क्या है, रेट कांस्टेंट इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, के प्राइम क्या है, रेट कांस्टेंट इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, और रेट कांस्टेंट का रेशियो ही रेट ऑफ रिएक्शन के रेशियो के बराबर होता है, तो इस रेशियो को चाहो तो आप रेट ऑफ रिएक्शन से भी रिप्लेस कर सकते हो, यानी आप चाहो तो यहां पे मैं लिख देता, देखो ऐसे भी लिख सकता हूं, लॉग आर क्या प्राइम बाई आर इक्वल टू ई ए माइनस ई ए सी अवाई 2.303 आर टी, इस तरह से भी लिख सकते हो, जहां जहां रेट कॉन्स्टेंट का रेशियो है ना, वहां वहां रेट ऑफ रिएक्शन के रेशियो से भी रिप्लेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू, बाय। ये केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर समाप्त हो चुका है, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, आज के लिए इतना ही काफ़ी, ओके बाय, थैंक यू।